आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मुंबई का प्रसिद्ध स्ट्रीट फूड तावा पुलाव। इसकी रेसिपी बहुत ही सिंपल है और खाने में तो उसका कोई जवाब ही नहीं है। फ्रेंड्स, इस रेसिपी को ट्राई करिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगी। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सिंपली फूड एंड फ्लेवर्स में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तवा पुलाव बनाने के लिए मैं यहाँ पे 1 कप बासमती राइस को थोड़ी सी नमक और 2 चम्मच तेल डाल के उबाल दी थी और ये ठंडे हो चुके हैं। आप इन्हें बचे हुए चावलों से भी बना सकते हो। रेड चिल्ली का एक मज़ेदार पेस्ट बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक बाउल में 2 बड़ी चम्मच भर कर के कश्मीरी लाल मिर्च ले रही हूँ। ये तीखा नहीं होती है, बस इस मज़ेदार पुलाव में एक बढ़िया कलर के लिए डाला जाता है। और इस पुलाव में ज़रूर ऐड करते हैं। फ्रेंड्स, आप इसको स्किप मत कीजिएगा। अब एक कढ़ाई लेंगे। मेरे पास बड़ा वाला लोहे की तावा नहीं था, इसलिए मैं एक लोहे की कढ़ाई में ले रही हूँ। अगर आपके पास हो तो ले सकते हैं। एक्चुअली लोहे की तावे पे ही इस पुलाव को बनाते हैं। अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून तेल और 2 टेबलस्पून बटर डालेंगे। तवा पुलाव में बटर में बहुत ही अच्छा लगता है, तो बटर का यूज़ कीजिएगा। बटर को चारों तरफ फैला देंगे। कढ़ाई में अब हम यहाँ पे एक बड़े साइज़ का प्याज को कट करके लेना है। बहुत ज़्यादा बारीक करने की ज़रूरत नहीं है। प्याज को हमें मीडियम टू हाई फ्लेम में करीब 2 से 3 मिनट के लिए पका देनी है। इन्हें ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, प्याज हमारी सॉफ्ट हो गई है। अब इसमें 1 बड़ी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। आप चाहे तो कद्दूकस करके भी ले सकते हैं। ये भी पका लेंगे प्याज के साथ। इसे इनका कच्चापन भी निकल जाएगा और सभी चीज़ अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। और ये देख सकते हैं, अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब यहाँ पे आधे गाजर को ऐसे कट करके ली हूँ। आधे शिमला मिर्च को भी डाल देंगे और थोड़ी सी ताज़ा मटर को भी साथ में ही ऐड कर देंगे। अब सब्जियों को 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम में ही पका देंगे। सब्जियों में क्रंचीनेस रहेगा तो ये ज़्यादा स्वाद लगेंगे। अब यहाँ पे सब्जियाँ फ्राई हो गए हैं। अब इसमें डाल देंगे 3 मीडियम साइज़ के टमाटर को। इसे काट करके ऐड कर रही हूँ। इस रेसिपी में टमाटर को यूज अच्छे से करनी है। टमाटर को हमें अच्छे से गलानी नहीं है। अब इसमें कुछ पाउडर मसाला ऐड कर देते हैं ताकि टमाटर के साथ भी ये भी पक जाए। सब्जियों के हिसाब से नमक डाल देंगे। 2 टेबलस्पून पाव भाजी मसाला ऐड कर देंगे। पाव भाजी मसाला इस पुलाव रेसिपी में मेन इंग्रेडिएंट होती है, तो आप किसी और मसाले का यूज़ ना करें, केवल पाव भाजी मसाला ही डालें। अब इसमें 2 बड़ी चम्मच रेड चिल्ली पेस्ट डालेंगे जो हम अभी बना के तैयार किए हैं। इसके बदले आप जो साबुत कश्मीरी लाल मिर्च आते हैं उनको 1 घंटे पहले भिगो के उसका बीज हटा के पीस के भी ले सकते हैं। ये तीखा नहीं होता है। बस अब इस मसालों को अच्छे से पकानी है। करीबन 2 से 3 मिनट समय लगेगा। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी पानी डाल रही हूँ ताकि मसाला सूखा सूखा ना लगे। ये देखिए, हमारा मसाला बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। अब इसमें 2 मीडियम साइज़ के उबला हुआ आलू को ऐसे स्क्वायर से कट कर दी हूँ, उसको डाल देंगे। और साथ में ही 3 हरी मिर्चों को ऐसे काट करके ऐड कर रही हूँ। मैं स्लाइसेस में नहीं काटी हूँ ताकि जब हम बच्चों को सर्व करें तो आसानी से हटा के दे सकते हैं। 2 मिनट के लिए पका देंगे। उबला हुआ आलू है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो इसलिए ज़्यादा पकाने का भी ज़रूरत नहीं है। ये लीजिए, बहुत ही टेस्टी मसाला बनके तैयार है।
अब इसमें उबले हुए चावलों को डाल देंगे, साथ में ही बारीक कटा हुआ हरी धनिया पत्ती को ऐड कर देंगे और चावलों के हिसाब से मैं नमक को भी ऐड कर दूंगी। अब हल्के हाथों से इन सारे चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे और ये देख सकते हैं कि हमारा तवा पुलाव बन के एकदम रेडी है। अच्छे से मिला के बस 2 मिनट के लिए पका देंगे और गैस फ्लेम को भी बंद कर लेंगे। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा फैमिली एंड फ्रेंड के साथ और मेरी ऐसे ही मज़ेदार सिंपल सी रेसिपी को देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। 2 मिनट हो गई है, गैस को ऑफ कर दी हूँ, अब गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। इस रेसिपी को बनाने के लिए टोटल 12 मिनट ही लगता है और मैं यहाँ पे सर्व कर रही हूँ रायता एंड सलाद के साथ। आप बनाइए, खाइए और खिलाइए। और आपके ये वाली रेसिपी कैसे बना है मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।